जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कठुआ में सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी हुई। कठुआ एनकाउंटर में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया और कठुआ में कल ढेर हुआ था एक आतंकी, दूसरा हुआ था फरार। दूसरे आतंकी की तलाश में चलाया जा रहा था सर्च ऑपरेशन और इस दौरान हुई गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ से आपको ये बड़ी खबर बता दें, सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में कठुआ एनकाउंटर में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। कल एक आतंकी ढेर हुआ था यहीं पर और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, दूसरा आतंकी फरार था, उसको लेकर तलाश जारी की गई थी और उसी दौरान गोलीबारी में यह हादसा हुआ जब एक जवान की मौत हो गई। दूसरे आतंकी की तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं ओडिशा में 24 साल बाद सरकार बदली है और बीजेडी का ओडिशा अब बीजेपी में हो चुका है। ओडिशा में भी एक सीएम और दो डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर बीजेपी काम करेगी। मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए सीएम होंगे और इसके अलावा कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिदा राज्य के डिप्टी सीएम होंगे और 12 जून की शपथ के साथ ओडिशा में नई सरकार का गठन हो जाएगा। उड़ीसा में 24 साल बाद सरकार बदली है और इसी के साथ 24 साल तक बीजेपी का गढ़ रहने वाला उड़ीसा अब बीजेपी में हो चुका है। 4 जून को आए नतीजों के बाद बीजेपी का ये नवीन किला ढह गया और बीजेपी की आंधी में नवीन पटनायक की बीजेपी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। अब सूबे में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने उड़ीसा के नए सीएम का ऐलान भी कर दिया है। उड़ीसा में भी एक सीएम और दो डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर बीजेपी काम करेगी। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए सीएम होंगे। इसके अलावा कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा राज्य के डिप्टी सीएम होंगे। 12 जून को शपथ के साथ उड़ीसा में नई सरकार का गठन हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव ने पार्टी विधायकों के साथ भुवनेश्वर में हुई बैठक में तीनों के नामों की घोषणा की और 12 जून को उड़ीसा सीएम शपथ लेने वाले हैं। अब जरा चलिए एक नज़र मोहन चरण मांझी के सियासी सफर पर भी डाल लेते हैं। कौन है मोहन चरण मांझी? मोहन चरण मांझी अब उड़ीसा के नए सीएम हैं। क्योंझर से 4 बार के विधायक हैं मोहन चरण मांझी। 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेडी की वीणा मांझी को 11,000 वोटों से हराया है। 2019, 2009 और साल 2000 में भी मोहन चरण मांझी विधायक रह चुके हैं। नवीन पटनायक ने 5 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब से जून 2024 तक वे 5 बार से उड़ीसा के सीएम रहे। 2009 विधानसभा चुनाव से पहले बीजू जनता दल ने भाजपा से 11 साल पुराना अपना रिश्ता तोड़ दिया था। साल 2000 और 2004 में बीजेडी और बीजेपी गठबंधन की सरकार में थी। भाजपा ने इस बार 25 साल का पटनायक राज आखिरकार खत्म कर दिया। अब आइए जरा देखते हैं कि मोहन चरण मांझी के अलावा कौन से दो नए डिप्टी सीएम हैं और उनका सियासी सफर कैसा रहा है। डिप्टी सीएम में एक नाम कनक वर्धन सिंह देव का है। कनक वर्धन सिंह देव बोलांगीर जिले के पटनागढ़ से विधायक हैं। बोलांगीर के राज परिवार से कनक वर्धन सिंह देव ताल्लुकात रखते हैं। साल 2000 से लेकर 2004 तक उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री भी रह चुके हैं। 2004 से 2009 तक कनक वर्धन सिंह देव शहरी विकास और सार्वजनिक उद्यम मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। इसी के साथ 2013 से लेकर 2016 तक कनक वर्धन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। बीजेपी की दूसरी डिप्टी सीएम प्रभाती परिदा की बात करें तो वो पुरी की निमापारा सीट से विधायक हैं। इस बार 95,430 वोटों से चुनाव जीता है। प्रभाती परिदा पहली बार विधानसभा पहुंची हैं और उड़ीसा बीजेपी में महिला विंग के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। प्रभाती परिदा उड़ीसा की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने वाली हैं। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार बहुमत के साथ जीत हासिल की है। राज्य की 147 सीटों में से भाजपा को 78 सीटें मिली हैं। नवीन पटनायक ने 5 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और वो 24 साल 98 दिन तक सूबे के मुखिया रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ओडिशा में आज राज्य सरकार का गठन हो जाएगा, लेकिन इससे पहले केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार का गठन हो चुका है। कैबिनेट भी बनकर तैयार हो चुकी है और अब सरकार ने राज्यों को विकास कार्यों के लिए फंड भी दे दिया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में आवंटित बजट के तहत जून महीने के लिए जारी की गई इस राशि के साथ कुल 2,69,500 करोड़ रुपए राज्यों को दिए गए और किस राज्य को कितना पैसा मिला इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही विजय पथ पर कदम रखा और तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली तो मोदी के तीसरे टर्म का कामकाज भी तेज हो गया।
बीते दिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने से पिछले 10 साल से विकास की रफ्तार पर चल रही मोदी सरकार की गाड़ी ने एक बार फिर से एक्सेलेटर पर पांव रख लिया। कैबिनेट के गठन के बाद केंद्र ने जून के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपए का टैक्स डिवोल्यूशन यानी कि हस्तांतरण जारी करने की मंजूरी दे दी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि डिवोल्यूशन अमाउंट की नियमित रिलीज के अलावा एक अतिरिक्त किस्त जारी करने का भी फैसला लिया गया। लेकिन सबसे पहले टैक्स डिवोल्यूशन होता क्या है और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है, ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। दरअसल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच टैक्स रिवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन को टैक्स डिवोल्यूशन कहते हैं। टैक्स के जरिए केंद्र सरकार आम जनता से पैसे लेती है और इस टैक्स के पैसे को राज्यों के विकास कार्यों के लिए फिर बांटा जाता है। एक तय फॉर्मूले के तहत इस टैक्स के फंड को राज्यों के बीच बांटा जाता है। फिस्कल कैपेसिटी, फिस्कल डिसिप्लिन, राज्य की जनसंख्या और राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर टैक्स का बंटवारा होता है। केंद्र सरकार को कलेक्ट किए गए टैक्स का 41% हिस्सा राज्यों को देना होता है और ये 41% टैक्स कुल 14 किस्तों में वितरित की जाती है। केंद्र सरकार ने जून के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। अब इनमें से किस राज्य के हिस्से कितने पैसे जाएंगे वो भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 25,069 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। बिहार को 14,056 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश को 10,970 करोड़ रुपए मिलने हैं तो वहीं सबसे कम सिक्किम को 542 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा भी सभी राज्यों में ये फंड बांटा गया है, लेकिन इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम बिहार का है, क्योंकि बिहार को 14,056 करोड़ रुपए का फंड केंद्र सरकार से मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, नई सरकार का गठन हो चुका है, ऐसे में पीएम मोदी के जितने भी मंत्री हैं वो अपने कार्यभार संभाल रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आपको तस्वीर दिखाएं जहां वो अपना कार्यभार संभाल रही हैं। तो देखिए, दूसरी बार वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण और ऐसे में उन्होंने रिकॉर्ड भी बना लिया है। कोई महिला पहली बार लगातार इतने दिनों के लिए वित्त मंत्री रही है और इसका रिकॉर्ड इन्होंने बनाया और दूसरी बार लगातार मोदी सरकार में वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने जा रही हैं और अभी कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है उन्होंने। आपको बता दें कि जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद से ही लगातार सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कार्यभार संभाला। उसके बाद तमाम जो मंत्री हैं, कैबिनेट के नए मंत्री बनकर आए हैं, सभी ने अपना कार्यभार संभाला। कल कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर, इन सभी ने कार्यभार ग्रहण किया और अब आज निर्मला सीतारमण भी वित्त मंत्री देश की अपना कार्यभार ग्रहण कर रही हैं। जो अधिकारी हैं मंत्रालय के वो उनका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर और रिकॉर्ड बनाया है निर्मला सीतारमण ने। कोई महिला पहली बार लगातार इतने दिनों के लिए वित्त मंत्री रही, एक टर्म पूरा कर लिया, अब दूसरे टर्म में फिर से इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया है मोदी सरकार ने। मोदी सरकार में ये मंत्री बनी है, वित्त मंत्री बनी और अपना कार्यभार ग्रहण करती हुई निर्मला सीतारमण की ये तस्वीर। तो वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने देश के सबसे अधिक लोकसभा वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया। इससे देश की राजनीति ही बदल गई। सपा के शानदार प्रदर्शन ने इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव की भूमिका अहम कर दी है। वहीं ये पहला मौका होगा जब चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही गांधी परिवार जनता का आभार जताने के लिए रायबरेली की जमीन पर पहुंचा। इस बीच समारोह में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। सोनिया गांधी ने रायबरेली को अपना बेटा सौंपने की बात कही थी और जब चुनाव के नतीजों ने ये साफ कर दिया कि रायबरेली के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश ने कमोबेश राहुल और कांग्रेस पार्टी को 2024 के आम चुनावों में प्यार दिया है, गले लगाया है, तो फिर राहुल रायबरेली में आभार जताने को कैसे न जाते। लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद कार्यकर्ताओं का आभार जताने पूरा गांधी परिवार मंगलवार को रायबरेली पहुंचा। हमारे प्यारे कार्यकर्ता अमेठी के, रायबरेली के, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और रायबरेली में और अमेठी में आपने
और रायबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर भी जमकर बरसे। अयोध्या से लेकर अमेठी तक इंडिया गठबंधन की जीत का जिक्र करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी बहुत आभार जताया। साथ ही ये कहते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बाजुओं को और बुलंद कर दिया कि अगर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी वाराणसी में लाखों वोट से हार जाते। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाता। उत्तर प्रदेश में इस बार एक साथ चुनाव लड़ते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं, तो वहीं उनके साथ लड़ते हुए कांग्रेस ने भी 6 सीटों को अपने नाम कर लिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हुए बीजेपी के हिस्से इस बार महज 33 सीटें ही आई हैं। बीजेपी जहां एक तरफ यूपी के नतीजों के बाद समीक्षा के मोड में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जोश से लबरेज दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इन सब के बीच भारतीय सेना के नए प्रमुख का चयन हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अब भारतीय सेना के नए प्रमुख होंगे। 30 जून को वो जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। उपेंद्र द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी हैं। जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे उपेंद्र द्विवेदी और जानकारी के मुताबिक जनरल मनोज पांडे 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, जिनकी जगह अब लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी लेने वाले हैं। तो इन तस्वीरों में आप देखिए भारतीय सेना के नए प्रमुख की ये तस्वीर। जनरल उपेंद्र द्विवेदी अब नए प्रमुख होंगे और 30 जून को ये अपना पदभार संभाल लेंगे। केंद्र में मंत्रियों के पद संभालने के साथ ही प्रदेश सरकारें भी अब काम पर वापस लौट गई हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आचार संहिता हटने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में ही जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। स्वास्थ्य विभाग में युवाओं को 40,000 नौकरियां मिलेंगी, तो किसानों और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के दरों में बड़ी सब्सिडी का रास्ता भी खुल गया है। मोहन सरकार जानती है कि सरकारी नौकरी बांटना हमेशा से सरकारों को लोकप्रिय बनाती है, इसलिए आने वाले दिनों में नौकरी बांटने का सिलसिला जारी रहेगा। सरकार ने प्रदेश की जनता को क्या क्या दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, इस लोकसभा के अच्छे परिणाम के बाद उनने 6 मंत्री हमारे राज्य से बनाए हैं। जैसा हमने कहा था कि कोई योजना बंद नहीं होगी और सभी योजनाओं को समान रूप से सरकार चालू रखेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद आचार संहिता खत्म हुई और सभी राज्यों की सरकारें काम पर लौट गईं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सरकार ने जनता से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों और आम उपभोक्ताओं के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक में 24,420 करोड़ की बिजली सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। प्रदेश की जनता जो बिजली के उपभोक्ता है उनको भी सब्सिडी देती है, तो कुल मिलाकर लगभग 24,420 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। जैसे यदि मैं बात करूं घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 6,000 करोड़ की सब्सिडी है, जो सामान्य किसान सामान्य वर्ग के किसान हैं उनको 13,000 करोड़ की और SC ST को 5,000 करोड़। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में जो प्रमोशन से पद भरे जाने हैं उनके लिए अगर योग्यताधारी नहीं मिल रहे हैं तो उन पदों पर सीधी भर्ती निकाली जाएगी। 12 से 14 पद ऐसे हैं जो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। रिक्त पदों में से 50% अर्थात 660 पदों की पूर्ति चयन के सीधे भर्ती से होगी। 46,491 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसमें तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ है। इसके साथ ही सरकार ने गौवंश को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है।
इस साल को गौवंश रक्षा वर्षित घोषित किया गया है। सड़क पर घूमने वाले गौवंश को गौशाला तक पहुंचाना, उनका इलाज करवाना जैसी प्राथमिकताएं शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश की गौशालाओं को उन्नत भी किया जाएगा। तो मेरी नजर में मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे तरीके से मोहन यादव जी सिर्फ इवेंट वाले नेता हैं, एक कोई घोषणाएं करना आती है उनको और जनता की उन्हें कोई सुध नहीं है। जनता माकूल जवाब आने वाले समय में देगी अगर इन्होंने जनता की कोई भी बात नहीं मानी, और ये सिर्फ कोरी घोषणाएं कर रहे हैं कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतने वादे करेंगे, कोई वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में एक और अहम फैसला हुआ। राज्य में अब 3 नई यूनिवर्सिटी बनेंगी और इस तरह आचार संहिता हटने के बाद हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं एमपी में सीएम डॉक्टर मोहन सरकार के 180 दिन अब पूरे हो चुके हैं। लेखा जोखा क्या रहा, खुद प्रदेश के मुखिया ने मीडिया के सामने बताया है क्या कुछ रहा है, इस रिपोर्ट में विस्तार से देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीता तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सभी को चौंका दिया था। मोहन यादव न सिर्फ मुख्यमंत्री बने बल्कि बेहद कम समय में पूरे देश में काफी लोकप्रिय हो गए। बतौर मुख्यमंत्री उनके कामों का डंका पूरे देश में बज रहा है। आज जब मध्य प्रदेश के नए सरकार के गठन के 6 महीने पूरे हुए तो खुद डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान पूरे 180 दिनों का लेखा जोखा लेकर बैठे थे। मोहन यादव ने विधानसभा के दौरान जारी किए गए घोषणा पत्र का जिक्र किया, जहां 456 विषयों में से 41 पर सरकार द्वारा पूरा करने की उपलब्धि बताई गई। विकसित भारत की संकल्प यात्रा सहित सुशासन, महिला, गरीब, किसान, हर वर्ग को लेकर सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। पार्वती, काली सिंह, चंबल परियोजना पर राजस्थान और एमपी सरकार द्वारा काम करने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने अन्य जल परियोजनाओं का भी जिक्र किया। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनाओं के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। और थानों की गुणवत्ता अच्छी रहे इसलिए 10 थाने भारत सरकार ने भी जो सिलेक्ट किए, मुझे खुशी है कि देवास का हमारा थाना भारत सरकार के चुने हुए 10 थानों में से भी एक आया है। तो पुलिस की दक्षता और गुणवत्ता भारत सरकार के पैमाने पे भी अच्छे निकले, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर के लिए 45,90,000 बहनों के खाते में 118 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी के लिए कि बहनों को जो हमने कहा था कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे गरीब बहनों को, तो वो हम बराबर दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अपना जीएसटी का कुल राजस्व 19,091 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो हमारे पिछले वर्ष से 26% ज़्यादा है। पिछले वर्ष जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था उसमें 26% हमने ज्यादा कलेक्शन किया है। मुख्यमंत्री ने कई मंचों से नई शिक्षा नीति का जिक्र किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मोहन यादव बैठे तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ औद्योगिक शिक्षा में सरकार के पहल को प्रमुखता दी गई। 7,00,000 युवाओं के रोजगार दिवस के 5,000 करोड़ के ऋण राशि उनके व्यापार व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराई है और स्टार्टअप को प्रोत्साहन कर रहे हैं। 55 एक्सीलेंस कॉलेज इसी सत्र से पूरे प्रदेश में हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय में उन्नयन में जिस ढंग से काम किया है और इसी से जुड़े हुए 12th पास 75% अंक लाने वाले 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपए की राशि भी हम लोग देने वाले हैं। आपको बता दें, आचार संहिता खत्म होने के बाद ही मोहन यादव एक्शन में हैं। ऐसे में लगभग 3 महीने आचार संहिता रहने के बावजूद
तीन महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कामों को गिनवाना चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।